हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। मुझे खुशी है कि आप क्लास में एंजॉय कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके कमेंट देखकर मुझे और अच्छा पढ़ाने के लिए मुझे बहुत हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने कर लिया था थ्योरी ऑफ फेलियर्स, इसमें पांच प्रकार की थ्योरी पढ़ ली थी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी, शेयर स्ट्रेस थ्योरी, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, जिसको आप डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी भी बोलते हैं। अभी अपने उसके बारे में अपने फॉर्मूले पढ़ लिए थे, अपने कौन सी कंडीशन में मेटेरियल फेल होता है, किस मेटेरियल के लिए, डक्टाइल के लिए कौन सी थ्योरी यूज होती है, ब्रिटल मेटेरियल के लिए कौन सी थ्योरी यूज होती है, यह अभी अब तक हमने पढ़ लिया था। तो कुछ उस टॉपिक के बारे में अपन क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपके एसएससी में क्या पूछे गए हैं, यूपीएससी ईएस में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, गेट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए अपन करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है आपको कि एट ए पॉइंट इन स्ट्रक्चर्स दियर टू मेच्योरली परपेंडिकुलर टेंसाइल स्ट्रेस। आपको क्वेश्चन करने से पहले बता दूँ कि यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस को पॉजिटिव मानना है और कंप्रेसिव स्ट्रेस को क्या मानना है, यहाँ पे नेगेटिव मानना है आपको। आपको पाँचों थ्योरी की फॉर्मूले आपको पहले से आने चाहिए, तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको बता दूँ ईएससी 1995 में पूछा गया है आपको। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। एट ए पॉइंट इन स्ट्रक्चर्स दियर आर टू मेच्योरली परपेंडिकुलर टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 800 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 400 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इन्होंने दे रखा कि दोनों ही जो स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है वो कौन सी है, टेंसाइल स्ट्रेस। इसका मतलब सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई की वैल्यू क्या होगी, 800 एंड 400 दोनों साइन क्या होंगे, सेम होंगे, और साइन कौन से होंगे, पॉजिटिव होंगे। इफ म्यू यानी पॉइजन रेशियो की वैल्यू दे रखी है 0.25, तो वाट इक्विवेलेंट स्ट्रेस इन सिंपल टेंशन अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी। अब इन्होंने क्वेश्चन में साफ साफ लिख रखा है कि कौन सी थ्योरी आपको यूज करनी है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी। तो मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी क्या होती है, सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों लिया, क्योंकि अपन दूसरे एक एक्सिस पर आप टेंशन मानते हैं तो दूसरे आपको क्या होगा, कंप्रेसिव होगा, क्योंकि एक साइड में आपका लेंथ का इलोंगनेशन हो रहा है तो दूसरी जो परपेंडिकुलर साइड में होगा वहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा। तो यह नेगेटिव है, आपको पहले से पता है। तो आपको सिग्मा एक्स की वैल्यू 800 दे रखी है, माइनस म्यू की वैल्यू 0.25 आप पुट कर देना, और सिग्मा वाई की वैल्यू दे रखी है। अब दोनों यहाँ पे टेंसाइल है तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव ही रखेंगे, और आप सॉल्व करोगे तो कितने आ जाएंगे, 700 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा कि ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ द साइज 200 mm मल्टीप्लाई 100 mm मल्टीप्लाई 50 mm इज सब्जेक्टेड ए शेयर स्ट्रेस ऑफ द 500 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड आपको देर की मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल इज 1 × 10⁶ केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको फाइंड आउट करना है कि द स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी। तो आप जानते हैं कि आपने इससे पहले आपने स्ट्रेन एनर्जी नॉर्मल स्ट्रेस में निकाली थी, जहाँ पे स्ट्रेस एंड कौन सी स्ट्रेस लग रही थी, नॉर्मल स्ट्रेस लग रही थी, तो उसमें क्या था, 1/2 नॉर्मल स्ट्रेस इंटू नॉर्मल स्ट्रेंथ। जो आपको एनर्जी आती थी उसको बोलते थे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको आप मॉडुलस पर रेजिलेंस भी बोलते थे। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, शेयर स्ट्रेस से एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू शेयर स्ट्रेस इंटू शेयर स्ट्रेंथ। वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेयर स्ट्रेस। वहाँ पे आप एक्सियल स्ट्रेंथ नॉर्मल स्ट्रेंथ था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेयर स्ट्रेंथ आ जाएगा। तो 1/2 शेयर स्ट्रेस इंटू शेयर स्ट्रेंथ, तो 1/2 शेयर स्ट्रेस आपकी वैल्यू दे रखी है 500 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड शेयर स्ट्रेन की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, आप जानते हो कि शेयर स्ट्रेस अपन में शेयर स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब ये कौन सी एनर्जी आएगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगी। अब इसको आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ओनली पर क्या आ जाएगी, स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी। तो आप इसको वैल्यू पुट करनी है, आप इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, 200 इंटू मल्टीप्लाई ये एल इंटू बी इंटू एच, तो आपके आ जाएगी 125 केजी सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी पे, अपन एक एक क्वेश्चन सब थ्योरी पे कर लेंगे, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी पे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी पे, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी पे, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी पे, और आपका प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी पे। तो क्वेश्चन दे रखा कि इस सर्टेन मटेरियल जो आपका स्टील है, जिसका प्रोपोर्शनल लिमिट ऑफ द 3000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन सिंपल टेंशन एंड इट्स सब्जेक्टेड टू प्रिंसिपल स्ट्रेस। आप इसके ऊपर तीन प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रही है, 1200 एंड 600 एंड 300, जो आपको डायरेक्शन दे रखी है, टेंसाइल दे रखी है, दूसरे वाले की टेंसाइल दे रखी है, तीसरे वाले को आपको क्या दे रखी है, कंप्रेसिव दे रखी है। तो क्वेश्चन में पूछा कि एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालो। अब यहाँ पे अपन डायरेक्शन को ध्यान रखना है कि टेंसाइल को क्या लेना है, यहाँ पे पॉजिटिव लेना है, और कंप्रेसिव को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेसिकली टू टाइप्स के, दो प्रकार से अपन निकाल सकते हैं, या तो अपन यील्डिंग स्ट्रेस पर निकाल सकते हैं, दूसरा अपन निकाल सकते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पे।
अब इन्होंने कुछ नहीं दे रखा तो अपन को इन्होंने साफ साफ लिख रखा कि 300। अब 300 मतलब या तो यील्ड स्ट्रेस होगा या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस होगा। अब इन्होंने माइल्ड स्टील की बात कर दी तो यहाँ पे कौन सा होगा, यील्डिंग स्ट्रेस होगी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगी, यील्डिंग स्ट्रेस बाई वर्किंग स्ट्रेस, मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस। जो वर्किंग स्ट्रेस लेते हैं वो वर्किंग स्ट्रेस की वैल्यू को क्या होगी, मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस। तो एफ पाई बाई टू हो जाएगा। और मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम मतलब एब्सोल्यूट। अब सिग्मा वन बाई टू, सिग्मा टू बाई टू और सिग्मा थ्री बाई टू, सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू, सिग्मा टू माइनस सिग्मा थ्री बाई टू, इन सब में जो मैक्सिमम होगा उस वैल्यू को अपन क्या एडॉप्ट कर लेंगे यहाँ पे। अब बात करें पहले के, इन दोनों में से माइनस करेंगे तो 1200 माइनस 600 कितना हो गया, 600 हो गया। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 900 हो गया। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 600 माइनस, लेकिन ये क्या कंप्रेसिव को क्या लेंगे, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा आपका, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या 900 और इन दोनों को लेंगे तो 1200, तो ये हो गया माइनस। लेकिन माइनस यहाँ पे क्या हो गया, माइनस 300, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1500। तो सबसे पास अपने मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1500। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो 3000 बाई टू और 1500 बाई टू, तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 आ जाएगी। ये आपके क्वेश्चन ES 1996 में पूछा गया है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं अपन। हाँ तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी पे। क्वेश्चन आप दे रखा है कि इन ए टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम द टू प्रिंसिपल स्ट्रेस आर द सिग्मा वन ऑफ द 180 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, जो आपको डायरेक्शन दे रखी है टेंसाइल, एंड सिग्मा टू। सिग्मा टू आपको वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। जो आपको डायरेक्शन इन्होंने पहले से दे रखी है वो क्या है, कंप्रेसिव नेचर का है। फॉर द मटेरियल द यील्ड स्ट्रेस इन द सिंपल टेंशन एंड कंप्रेशन इज 240 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब इन्होंने एक क्वेश्चन अच्छा सा दे के इन्होंने कंडीशन दे दी कि टेंसाइल साइज पूरा, यदि पूरा सिस्टम की बात करें या तो टेंसाइल रहेगा या फिर क्या रहेगा, कंप्रेसिव रहेगा। दोनों में जो इनकी यील्ड स्ट्रेस रहेगी मेटेरियल की, जो या तो कंप्रेसिव नेचर का हो या टेंसाइल नेचर का हो, तो उसकी यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू कितनी रहेगी, 240 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। आपको पॉइजन रेशियो की वैल्यू दे रखी है 0.25 या 1/4। एंड अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेंथ थ्योरी द वैल्यू ऑफ द सिग्मा टू एट यील्डिंग विल कमेंस। अब इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है आपको देर का, कि एक बार पूरे मेटेरियल को क्या मानना पड़ेगा, टेंसाइल नेचर का मानना पड़ेगा, और दूसरी बार अपन को सेम का सेम मेटेरियल को क्या मानना पड़ेगा, कंप्रेसिव नेचर का। और जो दोनों में टेंसाइल नेचर में आपको सिग्मा टू की वैल्यू आएगी और कंप्रेसिव नेचर में जो सिग्मा टू की वैल्यू आएगी, इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपको सॉल्व कर देना। इसमें आप टेंसाइल दोनों दोनों प्रोसेस से आपको सॉल्व करना है। सपोज करो इस मेटेरियल को अपन क्या मान लेते हैं पहले, कि ये पूरा का पूरा नेचर कौन सा है, टेंसाइल नेचर का, मतलब उसका जो यील्डिंग होगा वो किस कंडीशन में होगा, टेंसाइल स्ट्रेस से। तो यदि टेंसाइल स्ट्रेस से माना, इसका मीनिंग क्या हुआ कि सिग्मा वन जो आपका जो दो प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है 180 और सिग्मा टू, यदि टेंसाइल स्ट्रेस का मीनिंग हुआ कि वो सिग्मा वन की वैल्यू सिग्मा टू से ज़्यादा है, तभी तो आप टेंसाइल में बिहेव करेगा। मतलब एक आपको टेंसाइल दे रखा है, एक कंप्रेसिव दे रखा, और ओवरऑल आपको टेंसाइल बनाना, इसका मतलब टेंसाइल की मेजोरिटी ज़्यादा है वहाँ पे। तो इसका मतलब मीनिंग क्या हुआ, सिग्मा वन की वैल्यू है वो माइनस सिग्मा टू से ज़्यादा है मैग्नीट्यूड में, तो आपका ओवरऑल क्या बन जाएगा, टेंसाइल बन जाएगा। तो इसके लिए अपन मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी लगाएंगे, तो सिग्मा वन बाई ई माइनस म्यू, और ये आपका कंप्रेसिव नेचर है, माइनस सिग्मा टू बाई ई, लेस देन क्या होना चाहिए, एफ बाई ई से लेस देन होना चाहिए। सिग्मा वन की वैल्यू आपको दे रखी है 180 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.25 आपको दे रखी है, सिग्मा टू की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, एफ वाई की वैल्यू आपको दे रखी है 240 न्यूटन पर
एमएम स्क्वायर, ठीक है। आपको टेंसाइल ले रहे हैं तो यहाँ पे टेंसाइल की जगह एफवाई की जगह क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब आप वैल्यू पुट करो 180 की जगह सिग्मा 1 की जगह 180 और म्यू की जगह 0.25 और सिग्मा 2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है एफवाई की जगह प्लस के 240। तो आप वैल्यू पुट करोगे तो सिग्मा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 240 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब दूसरी ओर आप पूरे मटेरियल को क्या मानते हैं कि इसका यील्डिंग किससे होगा, कंप्रेसिव नेचर के कारण होगा। तो कंप्रेसिव नेचर का मतलब क्या हुआ कि यदि आपका आपको सिग्मा 1 वैल्यू दे रही है 180 टेंसाइल में और सिग्मा 2 की वैल्यू दे रही है कंप्रेसिव में, यदि पूरे मटेरियल को आपको कंप्रेसिव बनाना है, इसका मतलब क्या है, जो सिग्मा 2 की वैल्यू है वो टेंसाइल से ज़्यादा है, इसका मतलब जो सिग्मा 1 है वो सिग्मा 2 से कम है, तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा आपका, कंप्रेसिव बन जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा माइनस सिग्मा 2 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 1 बाई ई लेस देन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा एफ वाई बाई ई। तो सिग्मा 2 की वैल्यू आप फॉर्मूले में पुट करोगे सिग्मा 2 सिग्मा 1 की 180 एफ वाई की वैल्यू 240, यहाँ पे क्या लोगे माइनस का 240, ठीक है। तो आपके सिग्मा 2 की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 195 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब दोस्तों बात करते हैं कि दोनों में से मिनिमम जो होगा उस वैल्यू का आपको आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 195 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये ईएससी 2004 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसमें आपको दोनों कंडीशन को ध्यान में रखना है, टेंसाइल नेचर को भी ध्यान रखना है एंड कंप्रेसिव नेचर को भी ध्यान रखना है इसमें। हाँ तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ फेलियर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ब्रिटल मटेरियल। आपको पहले बता रखा है कि कौन सा मटेरियल के लिए कौन सी थ्योरी आपके लिए बेस्ट रहेगी, तो आप हमेशा याद रखना कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी रहेगी। यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि मोस्ट कंजर्वेटिव थ्योरी, क्या पूछा जाए कि मोस्ट कंजर्वेटिव थ्योरी, तो आपको पुट करना है कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी होगी वो होती है मैक्सिमम जो आपका मोस्ट कंजर्वेटिव थ्योरी। अब बात करते हैं या तो मेटल क्या होगा, ब्रिटल मेटल होगा या फिर डक्टाइल मेटल होगा। यदि पूछा जाए कि डक्टाइल मेटल है तो आपका आंसर होगा मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, और यदि ब्रिटल मेटल है तो आपकी कौन सी थ्योरी आ जाएगी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। आप हमेशा तीन याद रखना कि यदि मोस्ट कंजर्वेटिव पूछ सकता है या फिर डक्टाइल पूछ सकता है या फिर ब्रिटल पूछ सकता है। अब एक क्वेश्चन उन्होंने देखा है कि फॉर द डिजाइन ऑफ द कास्ट आयरन, क्या पूछा कि फॉर द डिजाइन ऑफ द कास्ट आयरन मेंबर द मोस्ट अप्रोप्रिएट थ्योरी ऑफ फेलियर। अब ये ध्यान रखना कि यदि कास्ट आयरन पूछा गया है तो कास्ट आयरन क्या थ्योरी होती है, कास्ट आयरन होता क्या बेसिकली, वो एक ब्रिटल मेटल होता है। तो ब्रिटल मेटल के लिए आपको बता रखे कि कौन सी थ्योरी होती है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, या फिर ऑप्शन में ऐसा ना देखे वो पूछ सकता है कि रैंकाइन थ्योरी, वहाँ पे दूसरा नाम भी पूछ सकता है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को आप रैंकाइन थ्योरी भी बोलते हैं। अब यदि कास्ट आयरन की जगह यदि माइल्ड स्टील आ जाए तो वहाँ पे माइल्ड स्टील क्या होता है, डक्टाइल मेटेरियल होता है, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। हाँ तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी पे। क्वेश्चन दे रखा है कि ए क्यूब इज सब्जेक्टेड टू इक्वल टेंसाइल स्ट्रेस, इक्वल टेंसाइल स्ट्रेस ऑन द थ्री फेसेस। ऑन द थ्री फेसेस का मतलब ट्राइएक्सियल सिस्टम है, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन में आपको क्या दे रखी है, टेंसाइल स्ट्रेस दे रखी है, वो भी क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। मतलब आपको सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड इक्वल टू आप क्या मान सकते हैं, कोई भी सिग्मा मान लो, आप तीनों इक्वल चीज़ है आपकी। इफ द यील्ड स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल इन द सिग्मा वाई देन द बेस्ड ऑन द स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस विल बी। आपने जो टेंसाइल स्ट्रेस आपने एक्ट की है, सब्जेक्ट की है, जो आपके तीनों डायरेक्शन में, वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, आप स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी से आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी क्या होती है, 1/2 ई सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1 लेस देन इक्वल टू एफ वाई स्क्वायर बाई 2e। 2e से 2e कैंसिल आउट हो गया। अब यदि आपने ये तो ट्राइक्सल सिस्टम कह दिया, यदि 2d सिस्टम होता है यहाँ पे सिग्मा 3 की वैल्यू क्या हो जाती, जीरो हो जाती, तो यहाँ पे पूरे फॉर्मूले में यहाँ पे सिग्मा 3 की वैल्यू जीरो कर देते हैं तो फॉर्मूला अलग चेंज हो जाता। तो अब यहाँ पे दे रखा है कि तीनों डायरेक्शन इक्वल द टेंसाइल स्ट्रेस ऑन द थ्री फेसेस, तो सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 3 इक्वल आप कितने किसको मान लोगे, सिग्मा को मान लेंगे। और आपको दे रखा है कि इफ द यील्ड स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल इन द क्या वैल्यू है, एफ वाई को सिग्मा वाई मान लिया देन द बेस्ट ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी, तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दो सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर क्या हो गया, 3 सिग्मा स्क्वायर माइनस 2 म्यू, तो यहाँ पे क्या हो गया सिग्मा मल्टीप्लाई सिग्मा सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, ये भी क्या हो गया 3 सिग्मा स्क्वायर, 3 सिग्मा स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस 2 म्यू हो जाएगा, या आप नीचे कर दो तो सिग्मा की क्या वैल्यू हो जाएगी, सिग्मा वाई अपन में रूट 3 1 माइनस में 2 म्यू, म्यू यहाँ पे क्या है पॉइजन रेशियो। दोस्तों आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, इसके साथ साथ आप किसी भी स्टडी मटेरियल आप कोई भी कोचिंग का ले सकते हैं, चाहे मेडिजी का लीजिए, आप ईएस मास्टर का भी ले सकते हैं, कोचिंग से आप क्वेश्चन लगाते जाइए। आप पिछले सालों के जो क्वेश्चन आ रखे हैं आरआरबी में, जो पिछली वैकेंसी में जो क्वेश्चन आ रखे हैं उससे भी आप करते जाइए। और यदि कुछ आपको प्रॉब्लम लग जाए तो आप कमेंट में
कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं आप जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन आप कर लेते हैं, फिर अपन अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा बेंडिंग स्ट्रेस एंड बीम, इसके बाद पढ़ेंगे अपन शेयर स्ट्रेस एंड बीम, इसके बाद शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, इस प्रकार से अपना कंटिन्यू चलता जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपन करेंगे स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी पे। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है कि द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनल टू ऑफ द सर्टेन मेटल या स्टील आपको दे रखा है, सैंपल इज 300 मेगा पास्कल इन द सिंपल टेंशन, इट इज सब्जेक्टेड टू प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑफ द 150 मेगा पास्कल टेंसाइल में, 60 टेंसाइल में और 30 आपको दे रखा है टेंसाइल में दे रखा है। अब आपको पूछा कि अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चन में प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी की जगह आपको रैंकाइन थ्योरी भी दे सकता है, तो भी आपका इसका मीनिंग क्या है, आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी ही होगा। तो अपन आपको पहले बता रखा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे निकालता है कि आपका जो डिजाइन स्ट्रेस होता है उसको आप ये यील्डिंग स्ट्रेस डिवाइड बाई अपन क्या करेंगे जो वर्किंग स्ट्रेस, जो मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस। यहाँ पे तीनों पे कंडीशन क्या दे रखी है, 150, 60 और 30 में जो मैक्सिमम होगा वहाँ पे क्या होगा पुट कर देंगे, 300 बाई 150 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा अपन। तो दोस्तों आपको करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि द प्रिंसिपल स्ट्रेस एट ए पॉइंट आर 80 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर एंड 40 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। आपको कुछ डायरेक्शन दे रखी है, बोथ आर द टेंसाइल, इसका मतलब सिग्मा वन एंड सिग्मा टू की जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव रहेगी। आपको सिग्मा वन की वैल्यू दे रखी है 80 आपको न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, सिग्मा टू की वैल्यू दे रखी है 40 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो जो बड़ी है उसको अपन क्या मान लेंगे, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस या फिर उसको मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, और दूसरे को क्या मान लेंगे अपन, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। द यील्ड स्ट्रेस ऑफ द सिंपल टेंशन ऑफ द मेटल कितनी दे रखी है आपके, 200 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। आपको एफ सिग्मा वाई की वैल्यू आपको दे रखी है 200 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो इन्होंने पूछा कि द वैल्यू ऑफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। आपको दोनों थ्योरी लगा के आपको क्या निकालना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है। अब पहली थ्योरी अपन लेते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होगी उसकी वैल्यू को अपन क्या लेंगे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा वन ग्रेटर देन सिग्मा टू, इसका मतलब सिग्मा वन की गिनती होगी 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सिग्मा वाई अपन में सिग्मा पी, सिग्मा वाई आपको दे रखे 200 और सिग्मा पी की वैल्यू आपने अभी आपको पता है 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो अपन डिवाइड कर देंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या आ जाएगा, 2.5। अब इसी प्रकार दूसरी थ्योरी अपन लेंगे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, आपका जो यील्ड स्ट्रेस बाई 2 डिवाइड बाई मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का मीनिंग यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। अब एब्सोल्यूट मतलब सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, सिग्मा 1 बाई 2 और सिग्मा 2 बाई 2। यहाँ पे ये मत कर देना कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 ही मैक्सिमम होगा, जरूरी नहीं है। यहाँ पे यदि सिग्मा 3 होता तो यहाँ पे क्या होता, सिग्मा 1 बाई 2, सिग्मा 2 बाई 2, सिग्मा 3 बाई 2 एंड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2। इन पांच छह कंडीशन के आधार पर पूरी अपन कैलकुलेशन करेंगे और जो मैक्सिमम आएगी उसको क्या बोलेंगे अपन, एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो अपन तीनों कंडीशन है 80 माइनस 40 बाई 2 और यहाँ पे 80 बाई 2 और सिग्मा 2 क्या हो गया 40 बाई 2, इन तीनों में से जो मैक्सिमम क्या आएगा 40 आ गया आपने, क्योंकि यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे क्या आ गया 40 आ गया। तो अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल देंगे एफ वाई बाई 2 और सिग्मा जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, तो आपका क्या आ जाएगा 2.5। तो आपका आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स अपना क्वेश्चन दे रखा है कि द प्रिंसिपल स्ट्रेस एट ए पॉइंट आर द 2 सिग्मा, आपको डायरेक्शन दे रखी है टेंसाइल एंड सिग्मा दे रखी है आपको कंप्रेसिव। आपको दो प्रिंसिपल स्ट्रेस मेजर एंड माइनर दे रखा है आपको, आपको फर्स्ट की वैल्यू दे रही है 2 सिग्मा एंड दूसरे की वैल्यू दे रखी है सिग्मा। एक आपका टेंसाइल स्ट्रेस है और दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेस। एंड द स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट फॉर द मटेरियल इन द सिंपल टेंशन इज 210 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। अब देर का आपको पूछा गया अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन थ्योरी द वैल्यू ऑफ द सिग्मा एट फेलियर। आपको पूछा गया है कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन थ्योरी पे यदि आप अप्लाई किया जाए तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी फेलियर कंडीशन पे। तो आपको क्वेश्चन में आपको साफ साफ देर का कि सिग्मा 1 की वैल्यू क्या दे रखी है 2 सिग्मा 1, सिग्मा 2 की वैल्यू दे रखी है माइनस सिग्मा, आपको ये टेंसाइल में ये क्या दे रखी है कंप्रेसिव में। तो सिग्मा वाई की वैल्यू दे रखी है 210 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब आप थ्योरी अप्लाई कर दीजिए कि एज पर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन थ्योरी, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन क्या हो गया सिग्मा मैक्स। अब जो शेयर स्ट्रेस होता है यहाँ पे शेयर स्ट्रेन पूछ लिया तो यहाँ पे जी से डिवाइड कर दीजिए, बाकी वो का वो फॉर्मूला जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी लगाता है वो यही। तो वहाँ पे क्या होता है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस लेस देन यील्ड स्ट्रेस बाई 2,
तो यील्ड स्ट्रेस बाई टू, और यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात की है तो यहाँ पे जी से आप डिवाइड कर दीजिए। यदि यहाँ पर प्रिंसिपल स्ट्रेंथ होता तो यहाँ पे किससे डिवाइड कर देते हैं अपन, ई से डिवाइड कर दे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे शेयर स्ट्रेस की बात कर रहा है तो यहाँ पे किससे डिवाइड कर देंगे अपन, जी से डिवाइड कर देंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो टो मैक्स बाई जी लेस देन क्या होना चाहिए, एफ वाई बाई टू जी। अब टो मैक्स निकालेंगे यहाँ पे, तो टो मैक्स अपन मैंने बता रखा है यदि 2D सिस्टम है तो अपन तीन कंडीशन बनेगी, यदि 3D सिस्टम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा 3 भी आ जाएगा। तो सिग्मा 1 बाई टू, सिग्मा 2 बाई टू, सिग्मा 3 बाई टू, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई टू, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई टू, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई टू। ये पूरी कंडीशन में जो मैक्सिमम होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, टू मैक्स। अब यहाँ पे ओनली पर 2D कंडीशन है तो यहाँ पे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई टू, सिग्मा 1 बाई टू और सिग्मा 2 बाई टू। तो अपन सिग्मा 1 की वैल्यू आपको दे रखी है 2 सिग्मा, और सिग्मा 2 की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस सिग्मा, मतलब कंप्रेसिव नेचर, बेसिकली सिग्मा के मतलब कंप्रेसिव नेचर। तो इन दोनों के क्या था, 2 सिग्मा प्लस सिग्मा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1.5 सिग्मा, यह क्या हो गया 0.5 सिग्मा, और ये क्या हो गया ओनली पर सिग्मा। इन तीनों में सबसे मैक्सिमम क्या है, 1.5 सिग्मा आपने वैल्यू पुट कर दी, बाई जी लेस देन क्या हो गया 210 बाई 2G। तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका मतलब आपको ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये अब हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फ्रेंड अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका ES 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि ए मशीन एलिमेंट डेवलप्स द प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑफ द मैग्नीट्यूड 2P एंड P। आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है 2P एंड P। अब इसमें कोई डायरेक्शन आपको नहीं दे रही, इसका मतलब अपन डायरेक्शन क्या मान लेंगे, अपन टेंसाइल एज्यूम कर लेते हैं, दोनों की क्या मान लेंगे अपन, टेंसाइल मान लेंगे, ठीक है। वाट कंप्रेसिव भी मेजर कर सकते, मान सकते हैं अपन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों की डायरेक्शन आपको सेम माननी है। यदि कुछ नहीं दे रखा इसका मतलब डायरेक्शन क्या रखनी है आपको, सेम रखनी है। तो वाट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द पी बिफोर द मटेरियल रिच द यील्ड स्ट्रेस एफ वाई एज पर द डिस्टॉर्शन शेयर एनर्जी थ्योरी। आपको इन्होंने पूछा कि शेयर आपको डिस्टॉर्शन शेयर एनर्जी थ्योरम का यूज करके आपको पी की वैल्यू बतानी है जब वो मटेरियल फेल हो रहा है या फेलियर कंडीशन या यील्डिंग कंडीशन पर हो। अपन ये जानते हैं कि डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी क्या बोलती है, 1/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर लेस देन क्या होगा, एफ वाई स्क्वायर। लेकिन अपन यहाँ पर ये तो फॉर्मूला किसके लिए है, ट्राइक्सियल सिस्टम के लिए, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ओनली पर क्या दे रही है, 2D सिस्टम दे रखा है, यहाँ पे ट्राइक्सियल सिस्टम में सिग्मा 3 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 0 दे रखी है। तो सिग्मा 1 की जगह आप 2P रख देना, सिग्मा 2 की जगह क्या रख दोगे, P रख दोगे। तो फॉर्मूले में आप पुट कर दिए 1/2 सिग्मा 1 की जगह आप क्या रख दोगे, 2P रख दोगे, सिग्मा 2 की जगह P रख दोगे, प्लस सिग्मा 2 की जगह आप रख दोगे P रख दोगे, सिग्मा 3 की जगह 0, प्लस सिग्मा 3 की जगह 0 माइनस सिग्मा 1 की जगह 2P स्क्वायर, और वो लेस देन किसके होना चाहिए, एफ वाई के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो आप इसको सॉल्व कर, तो 1/2 अब 2P माइनस P, P का स्क्वायर P प्लस P स्क्वायर प्लस में ये क्या होगा आपके 4P स्क्वायर लेस देन किसके होना चाहिए, एफ वाई स्क्वायर के। तो ये क्या हो गया आपके 6P स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लेस देन किसके होना चाहिए, एफ वाई स्क्वायर के, मतलब आपके क्या हो गया 3P स्क्वायर लेस देन एफ वाई स्क्वायर। अब इन्होंने क्या पूछे, एफ वाई की P की वैल्यू पूछिए, तो P लेस देन क्या हो गया, एफ वाई स्क्वायर बाई 3। अब इसका रूट कर दोगे एफ वाई बाई रूट 3, इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, D ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स अपने क्वेश्चन कर लिए थ्योरी ऑफ फेलियर पे, अपने पांचों थ्योरी पे क्वेश्चन कर लिए, प्रिंसिपल स्ट्रेस पे, प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी पे, शेयर स्ट्रेस थ्योरी पे, डिस्टॉर्शन, आपने जितने जो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपने क्वेश्चन बने हुए हैं वो अपने ES वाले क्वेश्चन आपने लगा दिए। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा बेंडिंग स्ट्रेस एंड बीम, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपना टॉपिक होगा बेंडिंग स्ट्रेस एंड बीम। आपको पहले बता देता हूँ बेंडिंग स्ट्रेस बीम बेसिकली क्या होता है, कि कोई किसी बीम में आपका कोई लेटरल लोड लगेगा या फिर एक्सियल लोड लगेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, ये तो शेयर फोर्स डेवलप होगा या फिर बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा। और यदि बेंडिंग मोमेंट के कारण यदि इंटरनली स्ट्रेस जनरेट हो रही है उसको बोलेंगे बेंडिंग स्ट्रेस, और शेयर फोर्स के कारण जो स्ट्रेस जनरेट होगी उसको क्या बोलेंगे अपन, शेयर स्ट्रेस। अब अपन टॉपिक पढ़ेंगे बेंडिंग स्ट्रेस एंड बीम। बेंडिंग स्ट्रेस एंड बीम की बात करेंगे तो यहाँ पे शेयर फोर्स को अपन क्या कर लेंगे, नेगलेक्ट मान लेंगे, और यदि शेयर स्ट्रेस एंड बीम बात करेंगे तो वहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस को क्या मान लेंगे, बेंडिंग मोमेंट को क्या मान लेंगे, नेगलेक्ट मान लेंगे। इसका मतलब अपन जो एनालिसिस करेंगे वो क्या होगा, ओनली फॉर प्योर बेंडिंग, या फिर इसी को बोल सकते हैं अपन सिंपल बेंडिंग, ठीक है दोस्तों। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना बेंडिंग स्ट्रेस एंड बीम। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाइए, आप इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि इसके अभी कुछ ही दिन बाद अपने इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस कंप्यूटर साइंस की भी क्लास लगवाई जाएगी अभी। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट टॉपिक कर देंगे अपन बेंडिंग स्ट्रेस एंड बीम। थैंक यू।